Good morning, students. In this small video, we shall be studying deficiency symptoms and toxicity of mineral nutrients. It is given in the form of chart in your textbook, but let us try to understand the actual character which is observed in plants or which appears in plants. The first element is nitrogen. Nitrogen deficiency causes yellowing of older leaves, ऐसे बोला है. क्लोरोसिस का मतलब ही होता है येलोइंग, बराबर. अब देखो यहाँ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के वजह से लीव्स जो है वो येलो होते जा रहे हैं. अब लीफ अगर येलो होगा तो स्टंटेड ग्रोथ होगी प्लांट की, क्योंकि फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. उसकी पिटियोल भी देखो, उसका लैमिना देखो, सारा येलो होते गया है. ये ग्रीन है, ये येलो होते जा रहे हैं. आप यहाँ बाजू में देख सकते हो, विथ नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ देखो और विदाउट नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ देखो, ये अच्छे से फ्लरिश हुआ है ये नहीं हुआ है. द प्लांट ग्रोथ इज स्टंटेड एज प्रोटीन कंटेंट, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट आर डिक्रीज. नाइट्रोजन नहीं तो डीएनए कंटेंट नहीं बनेगा, नाइट्रोजन नहीं तो एनर्जी का प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट मिलके तो एटीपी बनता है, बराबर. लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं होगी, ब्रांचिंग नहीं होगा प्लांट में, डॉर्मेंसी आ जाएगी वहां पे, फ्लावरिंग लेट हो जाएगा, पर्पल कलरेशन डेवलप होता है और शूट एक्सिस सरफेस पे वो रिंकलिंग की जो प्रोसेस है सीरियल ग्रेन्स में वो दिखेगी. अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फॉस्फरस. फॉस्फरस की डिफिशियंसी प्रीमैच्योर लीफ फॉल कॉज करती है, बड़े होने के पहले ही लीव्स गिर जाएंगे. नेक्रोटिक एरियाज, यहाँ मेन वर्ड जो है वो है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, प्लांट टिश्यूज की डेथ होते जाएगी और लीफ के सरफेस पे ये इस तरीके से कलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो ब्लूइश ग्रीन या पर्पल कलर तक जाता है और पूरा का पूरा कलर चेंज उसका हो गया. सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस भी लेट होती है. अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज पोटेशियम एंड कैल्शियम. मॉटल्ड क्लोरोसिस, लीफ के टुकड़े होते जाएंगे, बराबर. अब नेक्रोटिक एरियाज भी बढ़ेंगे. यहाँ देखो ये स्पॉट्स डेवलप हुए, यहाँ पे यू कैन सी दिस स्पॉट्स, रिंग स्पॉट्स डेवलप हुए, क्लोरोटिक स्पॉट्स. ये डेड टिश्यू के नेक्रोटिक वो कलर में अलग है, ये येलो है, ये ब्राउन है, बराबर. इंटरनोड शॉर्ट हो जाएंगे, यानी प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगा ऐसा. अब जिसमें नहीं है उसके इंटरनोड्स लॉन्ग है, बराबर, और जिसमें डिफिशियंसी है उसके इंटरनोड छोटे हो जाएंगे. घुमा फिरा के ये सारा का सारा सीरियल क्रॉप पे हम लोगों को इम्पैक्ट दिखा रहा है. ये बहुत देखो, बुशी हैबिट, डेंस ग्रोथ होगी लेकिन बुश लाइक हो जाएगा वो और ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बराबर. लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, यानी प्लांट का गर्थ नहीं बढ़ेगा. प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट का डिसइंटीग्रेशन होते जा रहा और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है. कैल्शियम की डिफिशियंसी भी मेरिस्टमेटिक रीजन को डीएक्टिवेट कर देगी, उसको डिग्रेड करेगी. क्लोरोसिस होगा लीव्स में, मार्जिन्स जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन हम लोगों को दिख रहा है, ये होल लीव के ऊपर आ रहे, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टंटेड ग्रोथ तक लेके जाती है. देयर इज डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एंड इट्स डिफिशियंसी इज रिलेटेड विथ मैग्नेशियम. मैग्नेशियम डिफिशियंसी जो है वो इंटरवेनल क्लोरोसिस करेगी. ये वेन से, बराबर, ये वेन के पार्ट पे देखो येलोइंग बढ़ते जा रहा है, सेंटर में अभी ग्रीन है. टेट्रापायरोल रिंग और फाइटोल टेल, ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिलता है क्लोरोफिल का. इस टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में मैग्नेशियम होता है. मैग्नेशियम नहीं रहा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा और ऐसा कलरलेस क्लोरोफिल जो है उसको हम लोग टर्न देते हैं पीओफाइटिन. सबसे पहले ओल्डर लीव्स पे इफेक्ट होगा, नेक्रोटिक पैचेस डेवलप होंगे और प्रीमैच्योर एब्सीशन यानी लीव्स जो है वो जल्दी गिरेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सल्फर. सल्फर की डिफिशियंसी क्लोरोसिस के तरफ लेके जाती है. आप देखो अभी तक मैंने 5-6 एलिमेंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन किए, सभी में नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ, ये कॉमन पार्ट है. लीव्स रोल इनवर्ड, ये समझना जरूरी है. देखो ये लीफ है, सल्फर के डिफिशियंसी के वजह से ये लीफ अंदर के तरफ रोल हुआ और सरफेस एरिया कम हो गया, बराबर.
स्क्लेरेन्काइमा की डेवलपमेंट ऐसे जगह पे बढ़ती है, डेड टिश्यूज बढ़े, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, और सिमिलर सिम्टम्स है जैसे नाइट्रोजन डिफिशियंसी के होते हैं, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है प्रोटीन के। आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है बट उसका रोल उतना इंपॉर्टेंट है। आयरन की डिफिशियंसी जो है वो रैपिड क्लोरोसिस करेगी। ये बेटर टाइप का लेजियाने प्रॉपर लीफ है, बट जैसे जैसे आयरन की डिफिशियंसी कम होती गई, देखो पूरा का पूरा लीफ येलो हो गया और उसका टिश्यू की डेथ वहां पे हो जाएगी। मैंगनीज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्लोरोटिक और नेक्रोटिक स्पॉट्स ये पूरे लीफ के ऊपर हम लोगों को दिखते हैं। आप यहां देख सकते हो कि लीफ का कंडीशन कैसा हो गया। डिफिशियंसी ऑफ जिंक ये राइस में खैरा डिसीज प्रोड्यूस करती है, ये मेरे लिए एक मार्क का क्वेश्चन है, बराबर। मलफॉर्मेशन ऑफ लीफ होगा, लीफ प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, ना ही उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ये सारा पार्ट जो है वो हम लोगों को मिलेगा। और एप्पल, सिट्रस, वॉलनट ऐसे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट पे भी इनका इफेक्ट हम लोगों को मिलता है। कॉपर इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कॉपर जो है वो एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें मिलता है। कॉपर की डिफिशियंसी ये सिर्फ टिप पे, लीफ के टिप पे, यंग लीफ के टिप पे इफेक्ट दिखाती है। डाईबैक ऑफ सिट्रस के बारे में इसके पहले के वीडियो में बात हुई थी, बराबर। ये देखो ये सिट्रस प्लांट से लेकर लीफ की हालत जो है वो खराब होगी, फ्रूट का साइज भी छोटा हो जाता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स पे भी इस तरीके से हम लोगों को इन्फेक्शंस मिलते हैं। पूरा का पूरा बार्क रफ सरफेस का हो जाएगा, स्टेम जो है उसके ऊपर हमें ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ दिखता है। बोरॉन भले ही वो कम अमाउंट में लगे लेकिन उसके डिफिशियंसी सिम्टम्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। शूट टिप की डेथ हो जाएगी, देखो यहाँ ये कॉलीफ्लावर है, स्टंटेड ग्रोथ हो गई, पूरा शूट पार्ट अंदर से इन्फेक्टेड हो गया, सप्रेस हो गई इसकी ग्रोथ, फ्रूट्स स्मॉल हो गए। ये पपाया प्लांट है, इसको पपीते के जगह मुझे अंगूर लगे हुए जैसे दिख रहे, देखो स्मॉल साइज हो गया फ्रूट का, रूट नोड्यूल्स डेवलप नहीं होंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और लीफ का टेक्सचर जो है वो कॉपर ही हो गया, और इस तरीके से लीफ के ऊपर भी उसका इंपैक्ट हमें दिखता है। अनादर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी भी क्लोरोटिक वेन्स तक जाती है, जो सबसे पहले ओल्डर लीव्स में दिखेगी। इसके वजह से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी भी आएगी, क्योंकि वो एंजाइम कंपोनेंट है, क्योंकि नाइट्रोजिनेस के मेटाबॉलिज्म में मॉलिब्डेनम का होना जरूरी है, वो वहां एक्टिवेटर करके काम करता है। अगर वहां ये पर्टिकुलर टाइप में मॉलिब्डेनम प्रेजेंट नहीं है तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली हैम्पर होगा, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा, और व्हिप टेल यानी जो पर्टिकुलर लीव्स है कॉलीफ्लावर में वो सारे ऐसे कर्ल होते जाएंगे और अदर इंफेक्शंस भी वहां डेवलप होते हैं। क्लोरीन की डिफिशियंसी प्लांट में विल्टिंग कॉज करती है, टर्जिडिटी इज लॉस्ट, लीफ शेप पूरा बदल गया। देखो ये सफिशियंट क्लोरीन के साथ है, ये डिफिशियंट क्लोरीन के साथ है, मार्जिन से इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो गया, लीफ का येलोइंग हो गया, ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगी और फ्रूटिंग जो है वो नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। अब इन सारे पार्ट पे मैं एक एक मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं, बराबर। कभी दो एलिमेंट्स को कपल करके एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कभी चार एलिमेंट्स को कपल करके क्वेश्चन आ सकता है, और इसलिए मैंने पहले के वीडियो में, रोल के वीडियो में ये बोला है कि पूरे मिनरल न्यूट्रिशन के टॉपिक में वो टेबल ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वो टेबल पे कमांड उसकी चैप्टर पे कमांड। कभी कभी मिनरल्स की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी भी प्लांट पे इफेक्ट दिखाती है। जरूरत से ज्यादा अगर मिनरल्स प्लांट को मिले तो वो उसके लिए कई बार टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन किसे बोला जाएगा? तो ऐसा कोई भी टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन, अब टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, उस एलिमेंट का उस पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन अगर इस तरीके से बढ़ा है कि वो उसके वेट को 10% से कम कर रहा है तो उसे टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन बोलना चाहिए। ये जो टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन है, क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, ये हर एक प्लांट के लिए अलग अलग होता है।
हर क्रॉप प्लांट का टॉक्सिक क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट, और इसलिए क्रॉप प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है। बराबर, एक एग्जांपल से हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट्स में भी ड्यू टू डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट और इट्स इंटरफेरेंस इन द एब्सॉर्प्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंगनीज के टॉक्सिसिटी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो लीफ के ऊपर क्लोरोटिक वेन्स और ब्राउन स्पॉट्स डेवलप होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? तीन फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंगनीज का एक्सेस ये दो टाइप के एलिमेंट्स के अपटेक को कम करता है। अगर मैंगनीज एक्सेस में है तो आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं बढ़ता। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम ये स्पेसिफिक एंजाइम्स पे अटैच होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए। मैंगनीज मैग्नीशियम के साथ उस स्पॉट के लिए कॉम्पीट करेगा। वो क्या करता है कि जहां मैग्नीशियम अटैच होना चाहिए वहां मैंगनीज अटैच हो जाएगा और ऐसे मैग्नीशियम की एक्टिविटी हमें दिखेगी नहीं। अच्छा, कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट है रूट में एब्जॉर्ब हुए वो मिनरल्स, अब रूट से वो अलग अलग पार्ट्स पे जाने चाहिए यानी उनका ट्रांसलोकेशन होना चाहिए। मैंगनीज उस कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करेगा, मैंगनीज मैग्नीशियम के जगह स्पेसिफिक एंजाइम को जाके ब्लॉक करेगा, मैंगनीज का प्रेजेंस आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक ही नहीं होने देगा। इन तीन रीजन के वजह से एक्सेस मैंगनीज ने तीन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी कॉज की, आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैंगनीज के जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है वो बेसिकली ये तीन एलिमेंट्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के रोल को कैसे ऑल्टर करता है इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। ये तीन पॉइंट्स के लिए और ये चौथे पॉइंट के लिए दो मार्क का क्वेश्चन टॉक्सिसिटी पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और ऊपर जितने एलिमेंट्स के रोल मैंने एक्सप्लेन किए हैं डिफिशियंसी में वो सब एक एक मार्क के कपल करके आने वाले क्वेश्चन है। इमेजेस इसलिए दी है कि आपको क्लोरोटिक वेन्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, कंटेड ग्रोथ, ये सारा पार्ट समझे, कंसेप्ट को क्लियर करे। हमें पढ़ते वक्त ये समझ में तो आना चाहिए कि क्लोरोसिस हुआ यानी क्या हुआ, कॉपरी अपियरेंस है यानी कॉपरी टेक्सचर है यानी क्या है, डाईबैक होता है यानी क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है यानी क्या होता है, बराबर, मार्जिन पे इम्पैक्ट है यानी क्या हो रहा है, कर्लिंग ऑफ लीफ टिश्यू है, नेक्रोसिस है, ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, खैरा डिसीज हुआ हमने रट्टा मार के याद कर लिया ये सब, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि खैरा होता है यानी क्या होता है, बराबर। सो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब ऐसे प्लांट्स भी तो होते हैं ऐसे कलर के लीफ के, बट ये तो डिफिशियंसी है ना फॉस्फरस की, तो हमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए ये पार्ट को। नाइट्रोजन के एक्सेस में क्या हो रहा, नाइट्रोजन कम हुआ तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ पे उसका क्या इम्पैक्ट है, इसके लिए ये सारी इमेजेस जारी है। दिस वॉज द स्मॉल वीडियो अबाउट डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट। अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं विथ the mechanism of mineral absorption from this particular chapter. Thank you very much.